हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू सिंगाड़िया। मेरे यूट्यूब चैनल मीनू सिंगाड़िया ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आए हैं पश्चिम बिहार B6 मार्केट में। आज हम आए हैं ये शिवा चाट भंडार की चाट पापड़ी ट्राई करने। तो आपको लेकर आते हैं, गोलगप्पे खाने का मन हो गया तो आज गोलगप्पे ट्राई करते हैं और इनकी चाट पापड़ी ट्राई करते हैं। तो आज प्राइस आपको मिलवाते हैं भैया से। और बाकी मेन्यू कार्ड वगैरह तो आगे ही लगा हुआ, पैन प्लेट है नहीं। टाइमिंग वगैरह भैया से बात करके बताएंगे। थोड़ा सा इनकी चाट पापड़ी बनते हुए क्या बन रहा है भैया? बर्गर बन रहा है जी। बर्गर बन रहा है, आप थोड़ा दिखाएंगे हमें बनते हुए? हाँ, देखो देखिए देखिए, ये दिखाइए, ये बर्गर बना है। ये कौन सा बर्गर बनाया आपने? वेज बर्गर जी, चीज वाला। हाँ जी, क्रीम वाला, क्रीम वेज बर्गर। हाँ जी हाँ जी, ये भैया ने क्रीम वेज बर्गर बनाया। क्या नाम है भैया आपका? शिवा। आपका नाम शिवा है? शिवा चाट भंडार। आपका कब से है यहाँ पे? यहाँ मेरे जी 34 से। 34 ईयर, साल हो गया। कितने साल हो गए? 34 साल हो गया। 34 साल से गाइस, 34 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मीन्स 34 साल से आप ही लगा रहे हो कि आपके मतलब पापा वगैरह? आप ही लगा रहे हैं? तो मीन्स बचपन से ही लगा रहे हैं? हाँ जी, बचपन से। यंग भी लग रहे हैं आप, तो खुद ही 40 के लग रहे हैं। और आपके यहाँ और क्या क्या आइटम है? पाव भाजी है, पाव भाजी है, चिला है मूंग दाल का। और इनके प्राइसिंग वगैरह सारे आगे वगैरह। और आपके शॉप मतलब टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग शाम को 4 से लगे 10 बजे तक। शाम का गाइस टाइमिंग सुबह से नहीं है, शाम से ही है। इवनिंग टाइमिंग है शाम के 4 बजे से 10 बजे तक है। आप कुछ चाउमीन वगैरह भी बनाते हैं? जी, चाउमीन, चीला। गाइस यहाँ पे सारा आपको स्ट्रीट फूड का टेस्ट मिल जाएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं। पाव भाजी है, आपको आपकी भाजी दिखाते हैं। चीला है, ये पाव भाजी की भाजी है। ये देखो ये बन रही है, बहुत टेस्टी लग रही है, गरम गरम। और ये क्या? आलू टिक्की, आलू टिक्की। ये आलू टिक्की है, आलू चाट, आलू टिक्की, बर्गर सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये यहाँ पर ये सेक्शन है चाट, चाट वाला। और ये सेक्शन है हमारे गोलगप्पे, दही बल्ले, ब्रेड, ये सब चीजें हैं। तो अब हम गोलगप्पे ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं, ठीक है? सो गाइस, मेरे गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं। दिल्ली के फेमस, दिल्ली की शान होती है गोलगप्पे। तो आज हम वही, एक गोलगप्पे के बिना दिल्ली नहीं चलती। और लड़कियों के, लड़कों के सबसे फेवरेट गोलगप्पे। खट्टा मीठा सारा टेस्ट आ रहा है गोलगप्पा। लोग गोलगप्पे का वो बेस है वो बहुत सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। बड़े बड़े आलू डाल रखे हैं, पानी बहुत टेस्टी है। गाइस टेस्टी है, पानी तो बहुत ही अच्छा है। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को किस किसको गोलगप्पे बहुत पसंद है, कौन दिन में कितने गोलगप्पे खा सकता है और कौन कितना चैलेंज लगा सकता है गोलगप्पे का। मैं तो नहीं खा सकती गाइस, सॉरी। मैं तो अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम अपने दही बल्ले लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। रेटिंग भैया एक हमारा दही बल्ला लगा दो। अरे भैया हेलो भैया, एक हमारे दही बल्ला लगा दो। अरे श्याम भैया एक पीस, हाँ सिंगल पीस का लगा दो। गाइस ये हमारा दही बल्ला बनेगा, अभी आपको दिखा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन दही बल्ले की। ये लग गई प्लेटिंग और ये इन्होंने बल्ला कर दिया रेडी। हाँ, ये डल गए इसमें आलू, आलू डल गए। कितने बर्गर? और ये भैया इसमें क्या पैसे भी डाल रहे होगे भैया? नहीं अरे पैसे वाले दही बल्ले लग रहे हैं यहाँ पे, तो मजा ही आ जाएगा। आ जाओ गाइस जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ नोट भी लगाए जाते हैं दही बल्ले के साथ। और ये हमारे दही भी आता है दही। और ये हमारा चाट मसाला, ये लग गया चाट मसाला। और ये कौन सी चटनी होती है? रेड वाली, रेड मीठी चटनी। ये किससे बनती है, गुड़ वाली? नहीं नहीं
चीनी की है। अच्छा, ये दही और ये वापस हरी चटनी और ये फिर दही और ये डल गई सेवैया और ये क्या है, ये डल गए हैं भाई किशमिश और ये आ गए हमारे अनार के दाने और ये हो गया हमारा भल्ला। पापड़ी नहीं डाली आपने इसमें? पापड़ी, आपने भल्ला बोला। अच्छा, आप इसमें दो तीन पापड़ी भी ऐड कर दो। पापड़ी पूरा पापड़ी वाला बनाओ भैया, भल्ला भल्ला कैसे खाएंगे। हाँ हाँ, पापड़ी भी डालो इसमें। गाइस ये हो गई हमारी, ये हमारा भल्ला रेडी है। अब हम इसकी टेस्टिंग करके आपको बताते हैं। यार गोलगप्पे के साथ दही भल्ले ना हो तो मज़ा ही नहीं है। मतलब गोलगप्पे खाओ और दही भल्ले खाओ, अपना सारा। यार देखो कितना, मतलब कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में इतना। मतलब माय गॉड, मतलब वाकई में टेस्ट वाकई में लग रहा है। बंदा मतलब भैया जो शिवा भैया शिवा चाय भंडार के नाम से जो है, जिन्होंने बताया कि वो 34 साल से यहाँ पर है, तो दिख रहा है कि भाई 34 साल से है तो कुछ तो बनाते ही है। बहुत टेस्टी है भल्ला, बहुत सॉफ्ट है। दही और जो मीठी चटनी डाली है उसमें बहुत टेस्ट आ रहा है, उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी, फिर बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ यहाँ आइए और टेस्ट करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वाकई में टेस्टी है कि नहीं है, या मैंने ऐसे ही फेक आपको बताया कि नहीं टेस्टी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? गिल्टी बोल जाऊंगा। भैया कह रहे हैं मैं गिल्टी बोल जाऊंगा, दो मिनट वेट कर लो। तो थोड़ा सा शाय हो रहे हैं, आपका क्या नाम है? अरे यार यहाँ तो सारे इतने शर्मा रहे यार, क्या है इन सबको। अरे भैया भैया कह रहे हैं नहीं हम नहीं आज, वो देखो छोटी सी भैया, वो देखो ये भी गोलगप्पे खाने आए हैं। गोलगप्पे खाने आए हो आप? क्या नाम है आपका? हमारा पूरा नाम सुदामा यादव। सुदामा यादव, थोड़ा सा मास्क तो नीचे कर लो, मास्क निकाल के जागरण थोड़ा आपको दिखाएंगे ना, आप लोग आपकी शक्ल देख के पहचानेंगे तो जल्दी आएंगे। सुदामा नाम है। अच्छा सुदामा नाम है, कब से आप यहाँ पे? एक साल से काम कर रहे हो, तो आप कहाँ दिल्ली में रहते हो? कहाँ रहते हो? आप यहाँ ख्याला से यहाँ पर आते हो, तो ये गोलगप्पे वाला सारा, मतलब गोलगप्पे आप ही खाते हैं कि मतलब इनमें भी काम वाम करते हैं? आपस में होता रहता है। आपस में होता रहता है। अच्छा, तो बहुत सही है यार, सारे आपस में मिलजुल के काम करते रहते हैं। यहाँ पे गोलगप्पे की पैकिंग चल रही है, तो ये शाम को 4 बजे और आइए। शिवा भैया से बात करते हैं। हाँ जी। और भैया बताइए, 34 साल से आप, मतलब शादी वगैरह में भी मैंने देखा, वेडिंग वगैरह भी लिखा हुआ। हाँ, करते हैं पूरा। तो गाइस यहाँ पे ये शादी वगैरह में भी आप इनको बुक करा सकते हैं। आपका नंबर वगैरह तो हो गया, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह। और कुछ हमारी बोलना चाहे आप शादियों के लिए, पार्टी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, शादी पार्टी का सारा फूड स्ट्रीट फूड सब मिलेगा, चाउमीन से लेके पाव भाजी, आलू टिक्की, आलू चाट, बर्गर, पूरा खाना काउंटर बढ़िया वाले। अच्छा, सारा सब कुछ आपको प्रिपरेशन सारी मिलेगी, भैया की तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी। लड़के वर्दी में होंगे, टोपी वर्दी सब वो कह रहे हैं, टोपी वर्दी खाना भी साथ में, सब पूरी पूरा आपको, आपका जो होगा गेटिंग वो पूरा एक सेफ एंड साइड से होगा।
तो चलो चलते हैं। और आपको टाइमिंग वगैरह भैया, टाइमिंग तो आपने शाम को ही बताया, शॉप का टाइमिंग तो शॉप का टाइमिंग और सातों दिन ओपन है। हाँ, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है इनका, 7 डे ओपन है। आप जब मर्जी आइए, किसी भी डे आइए, जब मर्जी आप आके यहाँ के गोलगप्पे चाट पापड़ी सब इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया इनसे मिलके और इनके गोलगप्पे ट्राई करके, स्पेशली बहुत टेस्टी था, रियली में बहुत सॉफ्ट था। मूंग की दाल का चीला भी है, मूंग की दाल का चीला पैक करवा के घर ले जाएंगे, घर टेस्ट करेंगे, उसका आपको शॉर्ट भेजेंगे, ठीक है ना, तो वो जरूर देखना। और चलो टाइमिंग वगैरह और मोबाइल नंबर भैया दे देना, हम शॉप में लगाएंगे। तैयार हो गया। हेलो, क्या नाम है? थोड़ा सा मार्क्स नीचे। क्या नाम है? गोपाल यादव। राय जी, गोपाल यादव है भैया। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? एक साल। एक साल से? अच्छा, आप सब मुझे लगता है एक साल से ही आए हैं। पहले यहाँ पे जो पहले लड़के थे वो कहाँ? अच्छा, कभी आप है लॉकडाउन के, जैसे कोई कोई है, कभी कोई कोई है, तो ये किसी है? ये क्या देसी घी है? ये वाला है भाजी, रिफाइंड ऑयल है ना, नॉर्मल वगैरह नहीं है। क्या प्राइसिंग है? 60 रुपये प्लेट है, 60 रुपये प्लेट टिक्की है गाइस। और हमने जो दही बल्ले, हमने दही बल्ले खाया था वो कितने रुपये प्लेट थी? वो भी 60 रुपये सिंगल पीस का, सिंगल पीस का दही बल्ला खाया था, वो 30 रुपीज़ का, फुल प्लेट 60 है। बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं, आगे बोर्ड लगा हुआ है प्राइसिंग वगैरह का। चलो आ जाओ आगे। तो ये इनका प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो, गोलगप्पे 20 रुपये प्लेट है, जिसमें आपको 5 गोलगप्पे मिलेंगे, और बल्ला पापड़ी 60 रुपये प्लेट है। मैंने एक सिंगल बल्ला खाया था वो 30 रुपीज़ के था, आप ये फुल प्लेट यहाँ पर 60 रुपये है। बाकी आप सारा प्राइसिंग आप देख सकते हो बोर्ड पर, आपको दिख जाएगा, मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी आपको। तो और लोकेशन यहाँ पे, ये पश्चिम विहार है और नियर बाई गैस एजेंसी है। कौन सी गैस एजेंसी है अंकल सामने? भारत गैस एजेंसी है। तो आपको लोकेशन मिल जाएगी और इजी है, कोई नहीं है, आप क्लब रोड से आते हैं तो भी नियर बाई ये पश्चिम विहार सामने वो पड़ता है, सॉरी क्या पड़ता है, रघुवीर नगर से, हाँ रघुवीर नगर से आप आते हैं। तो चलो मिलते हैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।